तो कैसे हो आप लोग, अधिकारी टेक्निकल चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप तो अपना मोबाइल का कैमरा सबने यूज़ करते हैं, कैमरा से आप लोग फोटो उठाते हैं, वीडियो करते हैं। तो दोस्तों, अपना मोबाइल में जो कैमरा होता है उसमें अच्छा फ़ोटो उठते हैं, लेकिन DSLR जैसा फ़ोटो तो नहीं उठते हैं ना। आज मैं ऐसा एक कैमरा एप्लीकेशन दिखाएंगे, उसमें DSLR जैसा फ़ोटो उठेगा, DSLR जैसा पूरा फैसिलिटी आपको पूरा मिलेगा। तो कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कैसे DSLR जैसा फ़ोटो बनाना है, मैं अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहना इंड तक। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अधिकारी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त गोपाल। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरा अधिकारी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, तो मेरा आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है स्नैप कैमरा। इसका लिंक मैं मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो इसको सिंपल से आप लोगों को ओपन करना है। तो ओपन करते ही देखिए, आपका सामने में ये बैक कैमरा ओपन हो जाता है और देखिए यहाँ पे DSLR जैसा पूरा मूड अपना सामने में आता है। देखिए आप लोग इसको घुराइए, देखिए पूरा ये स्क्रीन के ऊपर में आता है। देखिए P2, P1 ये पूरा आता है, जैसा DSLR में आता है ऐसा ही आता है। तो आप किसी के एक सब्जेक्ट का फ़ोटो लीजिए, मान लीजिए मैं इसका फ़ोटो लेता हूँ, ठीक है, इतना अच्छा फ़ोटो उठेगा ना दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप किसी भी चीज़ का ये देखिए कितना अच्छा लगेगा, यहाँ से फ़ोटो आप उठाइए, बहुत अच्छा क्लियर आता है ये फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ये जो इसको घुरा के आप लोग ये HDR में या कौन सा साइज़ में कौन सा किस में आप लेना चाहते हैं, देखिए ये फुल हो गया है, पैनोरमा हो गया, देखिए। तो यहाँ पे जो आइकॉन दिया गया है, आप इससे बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोटो उठा सकते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा फ़ोटो उठेगा। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आप लोगों को सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे HDR है, तो HDR में आप फ़ोटो उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 डॉट में क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारा आ जाता है, देखिए मूड आ जाता है यहाँ पे, सेल्फ टाइमर, बस्ट मूड, देखिए फ्लैश मूड, ऑटो, ये बहुत सारा यहाँ पे देखिए पूरा आता है। तो आप लोग अपना मर्जी से इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वीडियोस में कितना वीडियो क्वालिटी, देखिए 720 पिक्सल में, या आप देखिए 1080 पिक्सल में भी आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो शूट कर सकते हैं। तो HDR में देखिए HDR मूड कितना है, देखिए कितना HDR मूड है, कितना शॉर्ट है, देखिए। उसके बाद देखिए आप आदर्श में भी जाइए, देखिए बहुत सारा फैसिलिटी। जैसे दोस्तों अपना जो वो DSLR कैमरा में जितना फैसिलिटीज़ होता है, जितना मूड होता है वगैरह होता है, सारे मूड यहाँ पे मिल जाता है अपना फ़ोटो उठाने के लिए। तो शायद मैं इस वीडियो दिन में बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता, क्योंकि मैं रात में बना रहा हूँ इसलिए उतना अच्छे से आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं पहले चेक किया है, बहुत ही अच्छा काम करता है इस एप्लीकेशन, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, देखिए। तो ऐसे दोस्तों यहाँ से आप किसी भी मूड में अपना DSLR जैसा फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा मूड दिया गया है, HDR है, सारे मूड यहाँ पे है। तो ये है। तो इसके साथ साथ दोस्तों आप जब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ साथ स्नैपड्रैगन गैलरी भी एक दूसरा एप्लीकेशन भी आ जाता है, वो फ़ोटो यहाँ पे आ गया है, देखिए यहाँ पे वो दोनों फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे दोस्तों आप किसी भी फ़ोटो को बना सकते हैं, अपना DSLR जैसा मूड में आप फ़ोटो उठा सकते हैं। तो है ना कमाल का कैमरा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आप लोगों को अच्छे ही होंगे, अच्छा लगे होंगे तो एक लाइक कर देना एंड कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।